ये देख लो भाई ऑटो का हाल, कैसे डब्बे बन रखे हैं। ये ऑटो है पूरा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल आप सभी के। तो आज है हमारा डे टू और आज है गुरुपुरब। तो सभी का हैप्पी गुरुपुरब। तो उठाओ, जो तो देखा था कल रात को नाइट से और अभी उठाऊँ 12 बज रहे हैं। तो अभी हम उठते हैं, अभी नीचे लेके जा रहा हूँ हिजल को वॉक के लिए, क्योंकि वो सुबह से गई नहीं, वो भी मेरी सारी सोती रहती जब तक मैं सोता हूँ। तो अब उसको लेके जा रहा हूँ वॉक पे लेकर आएंगे। हाँ आ गई है, ये देखो। हाँ बच गई। तो चलते हैं नीचे वॉक पे, ले जाओ, अभी वेट करी जाने के लिए। तो वॉक पे चलते हैं, वॉक वहाँ से आके फिर तुमसे बात करते हैं। कल रात को सब किस्म से बहुत सीन कैड़ा हो गया, अब सब हर चीज़ कवर नहीं करता अभी, बस कभी कभी अपने घर वाले जो भी लोग दोस्त हैं उन सबके घर वाले देखने वाले होते हैं, तो कभी कवर नहीं करता अभी, बस हम इतने बड़े यूट्यूबर है नहीं और कि हम हर चीज़ को अपना अर्निंग या अपने कुछ फेम दिखा के छुपा सकें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बन जाएंगे। तो डे टू भोपाल के बाद आ रही है, नौकरी तो चलता हूँ, तो मिलता हूँ 5 बजे। हाँ कौन क्या हुआ, कौन है नीचे? को देखे भोक रही है, क्या हो गया? नो सिट। बिस्किट चाहिए? ये ले चल सेट हो, सिट। शेकन करो, शेकन। हाँ शेकन, गुड कर, जंप, सिट। शेक हैंड, गुड गर्ल। ये तुम सोचो कि ये ट्रेंड है, ऐसा ट्रेंड में कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसके लिए पागल है। तो चले नीचे, गो। तो फिर ले आया घुमा के, इसको दे दिया पेडिगिरी खाने के लिए, बिकॉज इसकी और पेडिगिरी आप मानोगे इसकी ये भी आदत गंदी है, पेडिगिरी सिर्फ ज़मीन पर रख के खाएगी है। ठीक है, बाकी सब इसको बाउल में चाहिए, बाकी पेडिगिरी लेकिन इसको ज़मीन रख के चाहिए। तो पेडिगिरी दे दिया इसका, ये ब्रेकफास्ट है इतना, ब्रेकफास्ट हो जाएगा इसका, लंच वगैरह कुछ कभी पता नहीं होता। तो चलते हैं अंदर, और इसका सोने का अड्डा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, बाकी अंदर ही आएगी। ठीक है, तो चलते हैं अंदर, तो ताकि आ जाएगी खुद। सुबह लास्ट का अपना ब्रेकफास्ट आ गया, ये है अपने पनीर के पराठे विद अमूल बटर। तो खाते हैं फिर करते हैं आप लोगों से बात। और इधर कहाँ बैठी है हेजल, जो इतना पे चोट भी लग रही है। तो चलो खाता हूँ फिर तुमसे करता हूँ बात। आज का हम निकलना है हमें कपड़े के लिए, कपड़े लेने के बाद रात में शायद मुझे एक फंक्शन में जाना है, शायद मैं जाऊं तो वो देखेंगे। तो मुझे लगता है मैं डायरेक्ट अब तुम्हें से कपड़े लेने जाऊंगा भाई, डायरेक्ट वहीं मिलता हूं तो मैं। ठीक है, कपड़े लेने के लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, मैं आया हूं अभी मायापुरी, मेरा रूटीन में देख लो, आज मायापुर चक्कर है। ये है ऑटो का स्क्रैप वाला, ये ऑटो है और ये बन के कैसे आ रहे हैं ऐसे डब्बे। ये देख लो भाई ऑटो का हाल, कैसे डब्बे बन रखे हैं। ये ऑटो है पूरा। ये बिफोर, ये आफ्टर। यहाँ पे ऑटो के सिलेंडर अलग करके रख दिए हैं, ऑटो के मीटर अलग करके रख दिए हैं, ऑटो बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं, ऑटो के पार्ट्स अलग हैं, ऑटो की गद्दी अंदर है, और उसके बाद ही ऑटो इस मशीन में टूट के जाता है और ऐसा निकलता है डब्बे। देखा। सो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ कपड़े लेने,
जैसे कल कहा था, कल तो जा पाया नहीं मैं, आज जा रहा हूँ शॉपिंग पे, तो चलते हैं शॉपिंग पे। पहले अभी मेरे को जाना है दोस्तों को उठाने, एज यूजुअल हर की जगह जाते हैं दोस्त साथ ही आते हैं। तो मोटा आ रहा है, गौतम आ रहा है, आर्यमन आ रहा है और मैं, हम चार बंदे आ रहे हैं तो मिलते हैं गाड़ी में बैठ के। सो गाइस, आ गया तुम्हारा भाई फिर गाड़ी में एज यूजुअल, कोई बोरिंग सा कहीं जाने से पहले हर जगह गाड़ी का स्टार्ट करना। तो चलते हैं अभी मोटे के पास, फिर उसके आगे गौतम को लेने, फिर आर्यमन को लेने, फिर आगे जाके हम निकलेंगे। आज का दिन भी बहुत हेक्टिक निकल गया, मेरे को लग रहा है मैं दो दिन से, अब दूसरा ब्लॉग भी बन गया, कल का ब्लॉग भी बन गया था, तो सही जा रहा हूँ, शायद कंटिन्यू कर पाऊँ। अगर मैं एक हफ्ता लगातार डाल पाया तो मैं ये कंटिन्यू रखूँगा, वरना फिर वही मार्केट्स के ब्लॉग्स वगैरह पे आ जाऊँगा मार्केट के। और एक कोई गाड़ी लगा के चले गया, मैं गाड़ी कहाँ से निकालूँ। वहाँ से इशारे कर रहा है दुकान से कि भैया एक मिनट, बिल्कुल ही बेवकूफ किस्म का बंदा। सो फाइनली अपनी गाड़ी गई है निकल, अब चलते हैं हम सीधा अपनी लोकेशन पे, मींस मोटे के पास, तरुण शर्मा के पास, उसके बाद गौतम वगैरह सबको लेके फिर सीधा निकलते हैं हम शॉपिंग पे। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं सीपी, क्योंकि हमने आए, हम यहाँ पे पालिका शॉपिंग के लिए, पालिका से देखते हैं क्या हमें मिलता है, किस रेट पे मिलता है। ठीक है, गाड़ी खड़ी कर दी हमने पार्किंग में और आगे चले हैं पालिका की तरफ। तो सीधा चलते हैं पालिका और वहाँ जाके देखते हैं अपने कपड़े, और जो देखेंगे तुम्हें साथ साथ दिखा देंगे, और जो पसंद आया वो भी पहन के दिखाएंगे। क्या हो गया भाई, ऐसे पैसे लाते नहीं, यहाँ पे आके सस्ते करवाते हैं। घर वाले पूरे पैसे देते हैं, 90 रुपए में लेने वाला बंदा 900 में लेगा। इसका तो सिलाई होगी मशीन रख के, ज्यादा सिलाई करवाई है मैंने, मैं तो लेना। तो गाइस, हम लोगों ने कर लिया है यहाँ पे शॉपिंग, पर पर्सन यहाँ पे 1500 के अराउंड आया है। ठीक है, 1500 का अप्रॉक्स आया होगा, जिसमें हम लोगों ने लिया डेनिम जैकेट्स, जीन्स, जॉगर, और थोड़ा अंधेरा आ रहा था, प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करना। ओके, ये सब हमने ले लिया और अब चले हैं हम घर की तरफ। घर से स्कूटी उठाते हैं या देखता हूँ, बस की हुई तो ठीक है, वरना जाके सो जाऊँगा, क्योंकि अब 10 बज चुके हैं, यहाँ पे 9:30 बजे हम वहाँ से निकले हैं, और अब हमें पहुँचते पहुँचते 10:30-11 तो बज जाएंगे। पार्किंग हमारी पूरी खाली हो चुकी है, दिखा देता हूँ, किंग पूरी खाली हो चुकी है, आए भसड़ में थे लेकिन यहाँ सब खाली है। गाड़ी की चाबी किस पे है भाई, गाड़ी की चाबी किस पे है? A few moments later. गाइस, आ गया मैं माता की चौकी में और सा हो गया, मतलब अभी भी जस्ट पहुंचा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, तो तुम्हें दिखाता हूँ क्या क्या खाने में, और चौकी शुरू होती है मैं दिखाता हूँ। ओके, सो गाइस, आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड। आज तुमने देख लिया आज का मेरा क्या था शेड्यूल, आया हूँ घूमा हूँ, चौकी में भी आया हूँ, मेरे फैमिली के भी चौकी थी। ठीक है, तो थक गया हूँ अपना, 1 बज रहा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब मीन्स कल। ओके बाय, जय बोलेगा।